वाटर में आलू डूबेगा या तैरेगा? ये देखिए, डूब रहा है, तैर रहा है, क्या हो रहा है, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बीकर जिसमें हम पानी भरेंगे। पानी भरेंगे, देखते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा पानी से भर दिया इसको। उसके बाद हम एक आलू लेंगे मीडियम साइज का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पानी में इस आलू को डाल देंगे। और डालते ही आपने देखा ये कि आलू क्या हुआ, इसमें डूब गया, एकदम जाके तली पे बैठ गया। अब देखिएगा, ठीक है। अब इस आलू को हम तैरा के दिखाते हैं। आलू को हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्या, इसमें हम ऐड करेंगे साल्ट, नमक ऐड करेंगे। ये देखिए, एक चम्मच, दो चम्मच, है ना, ज़्यादा मात्रा में नमक यूज करेंगे। नमक ऐसे डालते जाएंगे हम इसमें। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। अब आप जानते हैं ना कि नमक डालने के बाद इस वाटर की डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसका मतलब है आलू डूबेगा या तैरेगा। चलिए सोचिए सोचिए, आलू डूबेगा या तैरेगा। तो चलिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब नमक को अच्छे से मिला दिए, उसके बाद हम आलू को इसमें डालेंगे। वही सेम आलू लेंगे जो इस पहले डाला था, आपने देख रहे होंगे आलू भीगा हुआ है। आलू डालेंगे, लेकिन ये क्या हुआ, आलू डूबने की बजाय ये कहाँ पे तैर रहा है, ऊपर सतह पे आके तैर रहा है, नीचे आलू नहीं बैठा। इसका कारण क्या है, क्योंकि नमक डालने के बाद वाटर की डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से आलू क्या है, वाटर के ऊपर तैर रहा है। ऐसा ही होता है, समंदर में तैरना आसान होता है जबकि नदी के पानी में तैरना मुश्किल होता है। इसका कारण है वाटर की डेंसिटी, ठीक है। अब कुछ देर के बाद देखिएगा, कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आलू को हम नीचे जाके जमा दें, लेकिन आलू क्या है, ऊपर आ जा रहा है। ये देखिए, तले पर आ जा रहा है ना, यानी कि ऊपर सतह पर आ जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।